वैसे दोस्तों आप लोगों को याद होगा 2019 के स्टार्टिंग में सैमसंग ने अपनी तीन सीरीज लॉन्च की थी, सैमसंग की ए सीरीज और सैमसंग की एम सीरीज और सैमसंग की एस सीरीज। ये जो सीरीज थी मैं आपको बता दूं, सैमसंग की एस सीरीज थी उसमें आपको हाई लेवल वाले स्मार्टफोन देखने को मिले थे, और सैमसंग की एम जो सीरीज थी वहाँ पे आपको चीपेस्ट वाले मोबाइल देखने को मिले थे, और सैमसंग की ए सीरीज में आपको मिड रेंज वाले स्मार्टफोन देखने को मिले थे। हाल ही में सैमसंग की ए सीरीज के दो नए स्मार्टफोन और लॉन्च किए गए। इन स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी A71। ये जो स्मार्टफोन है वो सैमसंग गैलेक्सी A50 और सैमसंग गैलेक्सी A70 के सक्सेसर बनकर के आ रहे हैं। क्या कुछ खास आपको देखने को मिल रहा है इन स्मार्टफोन में, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। चलो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी A71 में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर आपको चेंज देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलने वाली है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S71 की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच की फुल HD आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले में इस बार उन्होंने कुछ चेंज किया है। इस डिस्प्ले का नाम दिया उन्होंने दिया है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको डिस्प्ले के बीच में आपको छोटा सा गोला दिख रहा होगा, और मैं आपको बता दूँ इस गोले में ही आपको यहाँ पे फ्रंट वाला कैमरा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखा है उन्होंने इस बार डिस्प्ले। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। रही बात दोस्तों बैक की, तो बैक में यहाँ पे आपको चार कैमरे देखने को मिल जाते हैं, और मैं आपको बता दूं इस बार जो उन्होंने कैमरे रखे हैं वो साइड में रखे हैं, जो सैमसंग का M30S आया था सेम उसी जैसे यहाँ पे आपको कैमरे देखने को मिलने वाले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन आपको दो वेरियंट में देखने को मिल रहा है, 6GB 128GB और 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आ रहा है। रही बात दोस्तों यहाँ पे इसकी बैटरी की, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 15W का फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने फोन को जल्दी चार्ज कर पाएंगे। और रही बात दोस्तों यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छी तरीके से गेम खेल पाएंगे, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल वाले आइकन को प्रेस करो, हाँ, और बेल क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों अब डालेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के ऊपर नजर, तो मैं आपको बता दूं बैक में चार कैमरे आपको देखने को मिल जाए, जिसका प्राइमरी सेंसर 64MP का है। अगेन आपको दूसरा कैमरा देखने को मिल जाए और 12MP का देखने को मिलता है, इसे आप अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं तीसरा कैमरा आपको 5MP का देखने को मिल जाता है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया, और चौथा कैमरा भी आपको 5MP का देखने को मिल जाता है, जिससे आप माइक्रो शॉट ले पाएंगे। तो कैमरे इंटरेस्टिंग है बैक के। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको जैसा कि मैंने बताया था बीच में डिस्प्ले में कैमरा गोल वाला दिया गया, वहाँ पे आपको 32MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्मार्टफोन की, तो सारी कंपनीज जो है वो चार कैमरे बैक में लेकर के आ रही है, फ्रंट में आपको 32MP का कैमरा देती है, और बैक में आपको पता है 64MP का क्वाड कैमरा बहुत सारे स्मार्टफोन में आ रहे हैं। और वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब तो कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो फ्रंट में आपको डुअल कैमरा देने लगी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उस कंपनी का नाम है Xiaomi Redmi K30। मैं आपको बता दूँ इस पर हमने वीडियो बनाई है, आई बटन पर लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, जाकर के जरूर से एक बार उस वीडियो को देख लें। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं सैमसंग गैलेक्सी A51 में जो आपको चेंज देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल रही है, वही सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वही बिल्कुल सारी चीजें। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहां पे कैमरे बताऊं सैमसंग गैलेक्सी A51 के, तो इसमें भी आपको बैक में चार कैमरे देखने को मिल जाएंगे। यहां पे जो कैमरे आपको देखने को मिल रहा है 48MP का प्लस 12MP का प्लस 5MP का प्लस 5MP का, वहां पे आपको 64MP का मिलता है प्राइमरी सेंसर, और यहां पे आपको प्राइमरी सेंसर जो मिल रहा है वो 48MP का मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करूं, तो वही सेम सैमसंग गैलेक्सी A71 जैसा ही फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल रहा है A51 में भी 32MP का। और दोस्तों यहां पे बात करना चाहूं इसके प्रोसेसर से, तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि यहां पे आपको Exynos का 9611 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं है। मेरी एक बात समझ नहीं आती है, जो सैमसंग वाले होते हैं वो इंडिया में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ क्यों नहीं आते, क्योंकि अब तो कंपनी बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर लेकर के आ रही है, और ये प्रोसेसर में हमेशा सैमसंग पीछे रहता है। वैसे दोस्तों आपका
का क्या कहना है सैमसंग को, क्या सैमसंग को अपने प्रोसेसर अपग्रेड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और दोस्तों बाकी की वही सारी बैटरी आपको 4000 एमएच की 15 वॉट का चार्जर, वो सारी चीजें आपको सेम देखने को मिल जाती है जो सैमसंग की इस गैलेक्सी A71 में देखने को मिली है। रही बात दोस्तों यहाँ पे इसके स्टोरेज रैम वेरियंट की, तो मैं आपको बता दू यहाँ पे आपको अभी जो वेरियंट देखने को मिला है सैमसंग गैलेक्सी A51 में, वो एक ही वेरियंट देखने को मिला है 6GB 128GB। बाद में ये ग्लोबली लॉन्च होगा तो यहाँ पे आपको तीन वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, 4GB वाला भी मिलेगा, 6GB वाला भी मिलेगा और 8GB वाला भी मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सैमसंग गैलेक्सी A71 की प्राइस अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने एक्सपेक्टेशन से जो कि उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी A51 की रखी है, तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी A71 की जो प्राइस रहने वाली है वो 28,000 या 30,000 रुपये रहने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी सारे अच्छे स्मार्टफोन आ रहे हैं इस प्राइस में। और इवन मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगा कि प्राइस सैमसंग गैलेक्सी A51 की भी अच्छी नहीं रखी है, क्योंकि 24,000 या 25,000 रुपये में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि 15,000 या 16,000 रुपये की स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे सैमसंग के इन दो नए स्मार्टफोन के बारे में, तो मैं जरूर से कहना चाहूँगा कि सैमसंग के ये दो नए स्मार्टफोन हैं, हाँ डिस्प्ले थोड़ी सी इस बार उन्होंने नहीं डाली है, लेकिन प्राइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं डाली है। यहाँ पे प्राइस अगर ये 17,000 या 18,000 रुपये तक के भी होते तब भी लोग इसको कंसिडर करते, लेकिन इस टाइम पर तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। चलिए दोस्तों हमने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी A51 और A71 के बारे में सारी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अभी तक बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करना, और हाँ हम आपके लिए यहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहते हैं, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।